राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 14-15 नवंबर को झारखंड का दौरा। राष्ट्रपति के रांची आगमन को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव। 14-15 नवंबर के लिए राजधानी का नया ट्रैफिक प्लान। रांची एयरपोर्ट से राजभवन के बीच कड़ी सुरक्षा। इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे को लेकर MEA का बयान। बाली में 17वें G20 सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। राज्य के सीएम M.K. स्टालिन ने बारिश के बाद प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीब उल हसन टावर पर चढ़ गए। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रांसमिशन टावर पर पूर्व पार्षद चढ़ गए। वे आगामी MCD चुनाव के लिए टिकट नहीं दिए जाने से नाखुश थे। वहीं समझाइश के बाद उनको टावर से नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध हो गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नोएडा में AQI 341 की श्रेणी में पहुंचा। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध की स्थिति बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 320 की श्रेणी में पहुंच गया है। गोवा के पणजी में आयरन मैन के दूसरे संस्करण को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आयरन मैन के दूसरे संस्करण को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। अमेरिका के टेक्सास इलाके में 2 विंटेज प्लेन क्रैश हुए हैं। एयर शो के दौरान टकराए दोनों प्लेन। हादसे में 6 की मौत। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने की हादसे की पुष्टि। कुत्ता पालने के लिए नई गाइडलाइन जारी। नोएडा में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर 2,000 रुपए का जुर्माना। कुत्ते के हमले पर 10,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। तमिलनाडु में भारी बारिश से हालात बिगड़े। भारी बारिश से बनी बाढ़ जैसी स्थिति। 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। भारी बारिश के बाद वेगई बांध से छोड़ा गया पानी। भारी बारिश के बाद वेगई बांध से पानी छोड़ने के साथ ही लगातार बारिश की वजह से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। तमिलनाडु के सिरकाली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इलाके में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की कोशिश। अनंतनाग में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों पर चलाई गोलियां। दोनों घायलों का बिजबेड़ा के अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं दोनों। इजिप्ट से बड़ी खबर है। मिनी बस नहर में गिरी है। 22 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। हादसा उत्तरी दाका हलिया प्रांत के एक हिस्से में हुआ। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से डेंगू के मामले कम हुए हैं। प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 29 से घटकर 11 से 12 रह गई है। नगर निगम की तरफ से लगातार कीटनाशकों का स्प्रे किया जा रहा है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में नए हथियारों के लाइसेंस पर रोक लग गई है। सरकार ने नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई है। सभी हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा होगी 3 माह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात की। यूक्रेन संघर्ष, भारत प्रशांत ऊर्जा पर बात की। G20 और द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन मार्ग पर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ओडा पुल को डेटोनेटर से उड़ाने की कोशिश। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। ट्रेन का संचालन रोका गया। उदयपुर के डबोक में ATM में लूट। लाखों रुपए लूट ले गए बदमाश। चौकीदार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फतेहपुर पहुंचने पर किया गया स्वागत। आनंद हुड्डा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीकर के फतेहपुर से मंडावा पहुंचने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। कोटा के कुनहाड़ी थाना इलाके से एक कोचिंग छात्र लापता हो गया। परिजन छात्र को ढूंढते रहे और थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई। करीब 4 दिन बाद छात्र का पता चल सका। छात्र पढ़ाई के तनाव के कारण अपना हॉस्टल छोड़कर दिल्ली चला गया। छात्र को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में वन विभाग के हजारों की तादाद में पेड़ काटने का मामला सामने आया है। पिछले कई दिनों से पेड़ काटने का काम चल रहा है। लकड़ी जलाकर निकाला जा रहा है कोयला। बिना अनुमति और बिना परमिशन के काटे जा रहे हैं पेड़। राजस्व को करोड़ों रुपए की नुकसान है। सरदार शहर में आरंभ हुई 310 किलोमीटर की छात्र किसान संवाद और गोवंश बचाओ अभियान यात्रा। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष और PCC सदस्य मानवेंद्र बुड़ानिया के नेतृत्व में आरंभ हुई यात्रा। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सवाईमाधोपुर के बोली में 3 स्थानों पर हुई आगजनी की घटना को लेकर व्यापार संघ में खासा आक्रोश देखने को मिला है। व्यापारियों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश गोयल व व्यापार संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में SHO कुसुमलता मीणा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अज्ञात आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार करने की मांग की। श्रीगंगानगर में शासन सचिव एवं जिला प्रभारी भवानी सिंह देथा और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने श्रीगंगानगर, सादुलशहर, श्रीकरणपुर में मनरेगा कार्यों, तहसील पंचायत समिति एवं स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान देथा ने अधिकारियों को आवश्यक कार्यों के लिए दिशा निर्देश भी दिए।
सिरोही के स्वरूपगंज रोहिड़ा मार्ग पर मजदूरों से भरी सवारी जीप पलट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए लाया गया स्वरूपगंज अस्पताल। धमोला कस्बे में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर अपनी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। पंचदेव मंदिर संस्थान के सचिव किशोर पंड्या ने बताया कि हनुमान जी के भक्त उद्योगपति सुरेश केशवाल पंड्या द्वारा पूरे मंदिर को कांच से सुसज्जित किया गया, साथ ही रंग रोगन भी किया गया। प्रतापगढ़ के श्रद्धालुओं का जत्था केसरिया जी तीर्थ के लिए निकला। झूमते नाचते हुए केसरिया जी पहुंचा जत्था। काया तीर्थ से शुरू हुए इस पैदल यात्रा संघ में 300 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। डूंगरपुर शहर के न्यू मार्केट में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से पीतल के घंटे चुरा कर ले जाने वाले दो आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा के सीकरी जीएसएस के पास कार पलट गई। कार के पलटने के दौरान टकराई जीएसएस के गेट से। जीएसएस का गेट हुआ क्षतिग्रस्त। वहीं कार सवार मौके से फरार। पुलिस जुटी कार सवार की तलाश। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में नशीली वस्तु सुंघा कर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ लूट की वारदात। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में दोबड़ा पंचायत समिति और जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई। दोबड़ा पंचायत समिति की 15 पंचायतों के सैकड़ों मनरेगा श्रमिकों को माह दिसंबर 2021 की 75 लाख से अधिक की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया। डूंगरपुर के डूंगरपुर बिछवाड़ा मार्ग पर बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास एक कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो भाई घायल हो गए। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नागौर जिले में यूरिया का संकट अब नहीं रहेगा, क्योंकि 2522 एमपी यूरिया की रेक लेकर एक मालगाड़ी नागौर रेलवे स्टेशन पहुंची। यूरिया की रेक आने से यूरिया की किल्लत अब नहीं रहेगी। नागौर की मेड़ता सिटी में खनिज विभाग गोटन और गोटन पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। गोटन थाना क्षेत्र में एक डंपर खनिज बजरी के अवैध निर्गमन करते हुए जब्त किया गया। डंपर पर जुर्माना भी लगाया गया। भरतपुर के भुसावर में न्यायालय परिसर के सामने नाले में शव मिला। शव मिलने की जानकारी पर भुसावर थाना प्रभारी मदनलाल मीणा मौके पर पहुंचे। वहीं शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। चूरू के राजपुरा में आयोजित कायम खानी प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया, तो वहीं इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने डेगाना के अमन खान और शाहिद खान का 10वीं कक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करने पर सम्मान किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी बारा दौरे पर रहे। बारा सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को देश की जनता समझे। राहुल गांधी को ये यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी का राजस्थान में एनएसयूआई का कार्यकर्ता ऐतिहासिक स्वागत करेगा। नलवाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने गश्त के दौरान दो तस्करों से गांजा और एक तलवार बरामद की। वहीं बिना नंबर की बाइक भी जब्त की। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ की। धौलपुर के राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की। जालौर के गोलासर में बंदर का आतंक। बंदर ने अभी तक 36 लोगों को हमला कर घायल किया। वन विभाग ने बंदर का रेस्क्यू किया, तो वही बंदर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। सिरोही में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ स्वरूप विलास परिसर में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता सहित मुख्यालय के न्यायिक अधिकारीगण व अधिवक्तागण द्वारा किया गया। लोक अदालत में कुल 22,292 प्रकरण चिन्हित कर आपसी राजनामा के आधार पर निस्तारण के लिए रखा गया। लक्ष्मणगढ़ के सालासर किराए पर प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा का स्वागत किया गया। भाजपा नेता अरुण चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत। अलवर में भारत विकास परिषद और विवेकानंद संदेश यात्रा आयोजन समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान शोभा यात्रा को लेकर जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। झालावाड़ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 104 वर्षीय बुजुर्ग नाथूलाल का करीब 5 वर्षों से करीब 90,000 का बिल बकाया। उनसे बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था, जिनको लोक अदालत में बड़ी राहत मिली। अब 10,000 में मामले का निस्तारण किया गया। अलवर में दिनों कृषि उपज मंडी में कपास की बंपर आवक हो रही है, जिससे कृषि उपज मंडी के व्यापारी किसानों से कपास खरीद रहे हैं और किसानों को कपास का अच्छा भाव मिल रहा है। कृषि उपज मंडी के व्यापारी कुलदीप गुप्ता ने बताया कि इन दिनों कपास की आवक ठीक चल रही है। अलवर के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र नगली मेघा गांव के समीप दो बाइक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे स्थित भरनी गांव के पास तेज गति से आ रही एक निजी बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिससे बस में सवार करीब 2 दर्जन श्रद्धालु चोटिल हो गए, जिन्हें सूचना पर पुलिस ने टॉप के साथ अस्पताल में भर्ती करवाया। बीकानेर जिला कलेक्टर ने डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों को खेल की शपथ दिलाई और प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की।
जोधपुर का बरवाड़ा कस्बे में रायसागर तालाब में किशोर के डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय गोताखोर पुलिस एवं प्रशासन की मदद से किशोर के शव को निकाला गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोधपुर का बरवाड़ा में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। अलवर के मकरेड़ा के जंगलों में करीब 30 साल की एक युवती की लाश मिली, जिसे कठघूमर सीएचसी के मोर्चरे में रखवाया गया। फिलहाल शव की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। कुएं में युवती की सड़ी गली लाश की सूचना पर एसपी तेजस्वी गौतम सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से लाश को कुएं से बाहर निकाला। उदयपुर में बड़ी तालाब में प्रेमी युगल की छलांग लगाकर कूदने का मामला सामने आया। सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमों ने प्रेमी युगल के शव को बाहर निकाला। शवों को माराना भोपाल चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया। झुंझुनू के ससुराल जीत की ढाणी में युवक ने अपनी सास पर फायरिंग कर दी, छर्रे लगने से सास घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी दामाद को हथियार के साथ अरेस्ट किया। कोटा में कहार खीर केवट मेहरा कच्छप कोई आरक्षण संघर्ष समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदेश सरकार से तुरंत केवट बोर्ड का गठन करने की मांग की। नागौर में वनरक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण हुआ, दो पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। 4 सतर्कता दलों का गठन किया गया, साथ ही 30 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया। नागौर की कुचामन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कुचामन पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मासूम बच्चे को उसके पिता के घर से ही दस्तयाब किया, मासूम को बाल कल्याण समिति ने पेश किया। दूसरे दिन भी सिरोही में दो पारियों में वनरक्षक भर्ती परीक्षा 12 केंद्रों पर आयोजित हुई। सुबह से ही परीक्षार्थियों का परीक्षा सेंटर्स पर काफी भीड़ देखने को मिल रही। ब्यावर में नारी जनजागृति संस्थान के तत्वाधान में रविवार को भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में शहर में पहली बार यह आयोजन हो रहा है। सिरोही के माउंट आबू में रिटर्निंग अधिकारी ने बूथ का निरीक्षण किया। रिटर्निंग अधिकारी राहुल जैन ने औचक निरीक्षण किया। जलदाय विभाग स्थित मतदान केंद्र पर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य देखा। ब्यावर में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक जागरूकता अभियान रविवार को संपन्न हुआ। अभियान के समापन पर एक जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। ब्यावर में सभी न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कई प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया। ब्यावर में राजकीय अमित कौर चिकित्सालय में चिकित्सकों के कई पद खाली है। जनसेवक महेंद्र मारोठे अस्पताल के कई वार्डों में पहुंचे, 10 सूत्रीय मांगों के पर्चे वितरित किए। मरु प्रदेश निर्माण की मांग को लेकर मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा एक बार फिर एक्टिव हो गया। अध्यक्ष राजवीर चौधरी के नेतृत्व में यूथ हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 13 जिलों को मरु प्रदेश बनाने की मांग। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में स्कूटी और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर के सराड़ा थाना क्षेत्र में कच्चे रास्ते पर शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत शिशु करीब एक माह का लड़का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विकास कार्यों की सौगात दी। ग्राम पंचायत अरनोदा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में योग शिविर का आयोजन हुआ। योग शिविर में लोगों ने योगाभ्यास किया, तो वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंबावली पर आयोजन। जैसलमेर के भणियाना में 66वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा और एसडीएम ओम प्रकाश मौजूद रहे। सीकर में भारतीय मजदूर संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। श्रमिकों के हितों को लेकर चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने मजदूरों के हितों को सर्वोपरि बताया। कहा, मजदूरों के हितों को लेकर काम किया जाए। आमेर में सुरक्षा की दृष्टि से आमजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एसडीएम अर्षदीप बरार ने पहल की। लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि आत्मरक्षा को लेकर प्रशिक्षण देना बहुत ही अच्छा कदम है। नागौर के डीडवाना में आदर्श सरस्वती सेवा समिति के तत्वाधान में शिविर आयोजित हुआ। 62 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। चतुर्थ नेत्र चिकित्सा शिविर था। हनुमानगढ़ के रावतसर के मायला गांव में सिख संगत का भव्य स्वागत हुआ। संगत के यहां पहुंचने पर पुष्प वर्षा की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रताप सिंह राठौड़, सिविल न्यायाधीश तारिक हुसैन भी मौजूद रहे। आपसी राजीनामे से 287 प्रकरणों का निस्तारण किया। उदयपुर के गोगुंदा में हाईवे 27 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। भिलवाड़ा में साइकिल रैली साइक्लोथोन निकाली गई। प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। रैली के दौरान आमजन में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने 500 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। निहालगंज थाने में तैनात कांस्टेबल जितेंद्र मीणा की सूचना पर कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 112 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। 112 प्रकरणों में उपभोक्ता ने 4 लाख रुपए जमा कराए। राष्ट्रीय लोक अदालत में सहायक अभियंता हरिशंकर मीणा भी मौजूद रहे। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र चंद्र उपला गांव में दो पक्षों की महिलाओं में विवाद हो गया। महिलाओं ने घर में घुसकर लाठियों से दो महिलाओं पर हमला कर दिया। दोनों को गंभीर चोट लगने पर ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया।
अलवर में पुस्तक लोकार्पण समारोह हिमशिखा काव्य संग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभागार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साहित्यकारों ने हिमशिखा पुस्तक का लोकार्पण किया। झालावाड़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद अली, प्रदेश अध्यक्ष गणेश होगरा और उपाध्यक्ष अरबाज खान झालावाड़ पहुंचे। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दावा किया कि यात्रा को हाड़ौती अंचल से जोरदार रिस्पॉन्स मिलेगा और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइकिल रैली साइक्लोथॉन आयोजित की गई। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। लोकापुर स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। सीकर में वन रक्षक भर्ती परीक्षा शहर के 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस दौरान बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। सिरोही के रेवदर में 4 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी और खो खो खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। बालिका स्कूल के खेल मैदान पर 4 दीवारी के लिए प्रधान ने 5 लाख रुपए की घोषणा की। अलवर में परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में दीपावली स्नेह मिलन समारोह और अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने छात्रावास में पहुंचकर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। अलवर में बाला किला वन क्षेत्र विकास समिति ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान काफी संख्या में समिति से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर शहर के वार्ड संख्या 32 में डेली कैफे में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहने का आरोप लगा है, जिसको लेकर क्षेत्र के निवासियों ने डिप्टी कार्यालय पहुंचकर आक्रोश जताया। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में पुलिस ने मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने कार से बरामद 51 किलो डोरा चूरा जब्त किया। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सदर थाना क्षेत्र में 1 सप्ताह में दूसरी बार बाइक चोरी हो गई। पीड़ित नंदकिशोर ने मेनारिया ने निम्बाहेड़ा सदर थाने में चोरी की रिपोर्ट दी है। अलवर में अकबरपुर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का ताला तोड़कर बदमाश बैंक के अंदर घुसे और करीब 3 घंटे तक लॉकर का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में जनचेतना समिति ने निःशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। तो वहीं प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने फीता काटकर नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ किया। नागौर के डिडवाना शहर में दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग किए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला मोहल्ले में ही कहीं जाकर वापस घर लौट रही थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। एसटी एससी एक्ट और पति पत्नी से मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में मुरलीपुरा गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान धारदार हथियार से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। समदड़ी में 66वीं जिला स्तरीय 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। अतिथियों की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू किया गया। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में दुकान के आगे बना टीन शेड का छज्जा अचानक से गिर गया। टीन गिरते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। नीचे दबने से 3 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर में वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा समाप्त होते ही बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। परीक्षार्थियों को घर लौटने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बूंदी के केशव राय पाटन में कोटा दूसरा मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जीप और ट्रोले की टक्कर से बाइक सवार चपेट में आ गया। जालौर के सायला में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पोषाणा नदी में पुलिया पर यह हादसा हुआ। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा पाली जिले के दौरे पर रही। गुहा ने सादड़ी नगर पालिका पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की, जनसुनवाई भी की। भारतीय जनसंघ की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन वैशाली नगर स्थित एक निजी होटल में आयोजन किया गया। 2 दिवसीय बैठक में अंतिम दिन भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।